हेलो नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीबॉडी। मेरा नाम है हिमानी एंड आई एम बैक विथ येट अनदर न्यू वीडियो। और आज के वीडियो में टाइटल से आप समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। तो यस, हमारे देश की योग नगरी और सोलो ट्रैवलर्स की पहली पसंद, ओ माय गॉड, पान पसंद जैसा साउंड किया ये। आपको इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ, अगर आप ऋषिकेश का ट्रिप प्लान करते हो तो कैसे आप बजट जस्ट विद इन 5,000 रुपीज आप 3 रात 4 दिन वहां पर स्टे कर सकते हो, घूम सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। आज पर्टिकुलरली हम ऋषिकेश के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ आपको कुछ ऐसी जगहों के बारे में भी बताऊंगी, हिडन प्लेसेस हैं बट आप वहां पर जाकर सुकून भरे पल बिता सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। तो वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले एक डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि माइक मैंने रिसेंटली नया लिया है, तो इस माइक में आपको बेटर क्वालिटी आ रही है कि नहीं आ रही है, कुछ चेंज समझ में आ रहा है कि नहीं, ये मुझे जरूर बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि मैंने रोड का माइक लिया है, थोड़ा पैसा खर्च किया है। और साथ ही साथ क्या बोल रही थी मैं, हाँ, और साथ ही साथ मैंने रूम का फैन भी बंद करा हुआ है, क्योंकि इस वाले रूम में जहाँ मैं शूट करती हूँ ना, यहाँ पर एसी नहीं है, यहाँ पर फैन है, तो मैंने वो भी बंद किया, क्योंकि फैन की आवाज़ आती है खटखट खटखट, कितना भी कर लो वो आवाज़ आप नहीं रोक सकते हो, कितना भी अच्छा माइक क्यों ना हो। अब मैं इस रूम में, ये रेंट का घर है तो यहाँ पर मैं साउंड प्रूफिंग तो नहीं करा सकती। मेन पॉइंट वॉज कि माइक, यस, माइक की क्वालिटी, साउंड कैसा आ रहा है ये मुझे जरूर बताइएगा आप। एंड नाउ फाइनली विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। ओके जी, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ऋषिकेश पहुंचने के ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो ऋषिकेश अगर आप बजट ट्रैवल कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको चूज करना चाहिए ट्रेन या फिर बस। आप ट्रेन और बस से जा सकते हो, दोनों का इक्वली ऑन एन एवरेज सेम कॉस्ट पड़ता है, बट कुछ लोगों को ट्रेन जर्नी अच्छी लगती, कुछ लोगों को बस जर्नी अच्छी लगती है। मुझे जहां पर ट्रेन मिलती है ना, मैं सोचती हूँ वहां पर ट्रेन पकड़ ही लेना चाहिए, क्योंकि ट्रेन जो जर्नी होती है ना काफी मजेदार होती है। तो ऋषिकेश पहुंचने के लिए ये दो तरीके हैं। ट्रेन दिल्ली से बहुत सारी चलती है, दून एक्सप्रेस जो है वो बेस्ट ट्रेन है मुझे लगता है, क्योंकि उसका टाइमिंग जो है वो अर्ली मॉर्निंग है और वो आपको दिन शुरू होने के पहले, मतलब सेकेंड हाफ तक आप वहां पहुंच जाते हो। उसके बाद आप वहां से कैब या फिर बस या फिर शेयरिंग कैब जो भी मिलती है सस्ते में वो आप कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि वहां से बाहर आप शेयरिंग कैब वाले जो है वो खड़े होते हैं, जो आपके साथ ऑब्वियसली 2-3 लोगों को और लेकर जाएंगे। आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो शेयरिंग कैब इज द बेस्ट, आपको पर पर्सन अराउंड 150-200 के बीच में ले जाते हैं वो ऋषिकेश। और अगर आपको उससे भी कम में ट्रांसपोर्ट करना है तो यू कैन ऑप्ट फॉर बस, जो कि रेलवे स्टेशन के जस्ट बाहर से टाइम टू टाइम चलते रहती है और आप उससे ट्रैवल कर सकते हो। ऋषिकेश जो है हरिद्वार से 15-20 किलोमीटर दूर है, ज्यादा दूर नहीं है, तो आपको पहुंचने में हार्डली हाफ एन आवर लगता है, डिपेंड्स ऑन ट्रैफिक। यस, ये तो हो गई आपकी ऋषिकेश पहुंचने की बात। अब ऋषिकेश पहुंच के आपको स्टे की बात आती है, तो ऋषिकेश जाने से पहले आप स्टे प्रायर बुक कर लो, क्योंकि वहां पहुंचने के बाद इट विल बी डिफिकल्ट टू फाइंड अ हॉस्टल और आपको उसका लोकेशन देखना है, वो सब चीजें झमेले में ना पड़ो। उससे पहले कि पहुंचने से पहले ही आप जो है वहां का स्टे बुक कर लो, और स्टे बुक करने के लिए आई वुड हाईली रिकमेंड, ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, आप hostelworld.com पे जाओ, जहां पर आपको इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में जितने भी हॉस्टल है ना सबकी वहां से आपको बुकिंग मिल सकती है, आप बुकिंग वहां से कर सकते हो। इट्स अ बुकिंग इंजन ऑफ हॉस्टल, पर्टिकुलरली उसमें सारे हॉस्टल दिखाई देते हैं। तो ये एक इजी है कि आप इंस्टेड ऑफ गोइंग टू booking.com, goibibo, मेक माई ट्रिप, इनमें जाके ढूंढने से बेटर है कि आप हॉस्टल वर्ल्ड में जाओ, अपना सिटी का नेम प्लेस जो भी नेम है जिस जगह आप ट्रैवल कर रहे हो उसको टाइप करो, एंड देन वहां पर उसके ऑप्शंस खुल जाएंगे, जैसा कि मैं आपको स्क्रीन में दिखा भी देती हूँ ताकि आप लोगों को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि किस तरीके से आपको हॉस्टल वर्ल्ड में हॉस्टल सर्च करने हैं। और उसके बाद आपको वहां पर 300-400 रुपए से लेकर 800-1000 रुपए तक के हॉस्टल मिल जाएंगे, और मुझे लगता है डिसेंट जो बीच का अमाउंट है दैट्स 500 रुपीज पर नाइट आपको हॉस्टल में स्टे मिल जाता है, विच इज क्वाइट अफोर्डेबल। तो आपके आने जाने का जो ट्रांसपोर्ट हो गया वो हो गया अराउंड 500 रुपए ट्रेन की टिकट, 600-700 रुपए आपकी बस की टिकट होती है, बट ट्रेन से वही आपको फिर आके कैब वैब करनी पड़ेगी ऋषिकेश तक के लिए, तो वो भी 600-700 रुपए हो जाता है, और बस का भी
600-700 रुपए हो जाता है। तो दोनों मिला के, दोनों में से आप किस में से भी ट्रेवल करो, ट्रेन से या बस से, 1200 रुपए आने जाने का आपका पड़ जाता है वो। और पर नाइट 500 रुपीज स्टे के हिसाब से अगर आप लगाओगे तो 1500 होता है 3 रात का। तो 1500 प्लस 1200 कितना हो गया, 1000-2000 रुपए हो गए आपके ट्रांसपोर्ट और स्टे के। अब आपके पास बचते हैं 2300 रुपए। क्या बात है, एकदम फटाक से बता दिया मैंने। मतलब मेरी मैथ्स काफी बुरी थी स्कूल में, मतलब मैं मैथ्स में बड़े एवरेज नंबर से पास होते, मुझे खासा कोई इंटरेस्ट भी नहीं होता था मैथ्स में, आई डोंट नो व्हाई। समझ रहे हो, समझ रहे हो? करते काम की बात करते हैं या तो मैं बात कर रही थी स्टे के बारे में और ट्रेवल ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, जो कि हो गया सॉर्टेड। 2700 रुपए मैक्स टू मैक्स 3000 पकड़ लो यार, चलो 300 रुपए और रख लो, तो 3000 रुपए में आपका स्टे और ट्रांसपोर्ट हो गया। अभी आपके पास बचते 2000 रुपए। नाउ ऋषिकेश घूमने के लिए सबसे सबसे अच्छा क्या है, 11 नंबर की गाड़ी। समझ गए किसको कह रही हूँ, अरे अपने हमारे पैर यार, हमारे पैर सलामत है, क्योंकि ऋषिकेश बड़ा छोटा सा टाउन है, तो आपको ऋषिकेश में ज्यादा मुझे लगता है गाड़ियां दौड़ाने की जरूरत नहीं है। वहां पर कैब्स वगैरह इजीली मिलते नहीं है, मतलब उबर ओला ये सब तो है ही नहीं वहां पे। लोकल अगर आपको कहीं घूमना है, थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस जाना है, पर आप क्यों करोगे, आप ऋषिकेश घूमने गए हो तो आप ऋषिकेश ही एक्सप्लोर करोगे ना। इसके लिए आप वॉक करो और वॉक करते हुए घूमो, दैट्स द बेस्ट वे टू एक्सप्लोर ऋषिकेश। क्योंकि ऋषिकेश में घाट, घाट से आरती, आरती से मार्केट, मार्केट से कैफे, कैफे से हॉस्टल, बस यही होता है, आप इतना ही एक्सप्लोर करते हो। क्योंकि ऋषिकेश में एक्सप्लोर करने के लिए जो है आपको जितने भी जगह है वो बहुत ही पास पास है, आप आराम से राम झूला लक्ष्मण झूला वाला जो रोड है वहां पर ही बस आप घूमते रहते हो। और 3-4 दिन के लिए अगर आप ऋषिकेश में हो तब तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी, एक दिन आप आराम से जो भी टेम्पल्स हैं अगर आपको वो जाने हैं, आप थोड़े से मेरे टाइप के धार्मिक हो और आपको अच्छा लगता है मंदिर में जाके थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना, तो देर आर अ लॉट ऑफ टेम्पल्स, आप भगवान जी की ब्लेसिंग्स लो और थोड़ा सा टाइम वहां पर डिवोट करो। एंड उसके बाद शाम को आप गंगा आरती अटेंड कर सकते हो, अलग अलग घाट में आरती होती है लाइक, बट सबसे अच्छी आरती जो कि वैसे सब जगह अच्छी होती है बट बहुत बड़े फॉर्म में जहां पर आरती होती है वो है परमार्थ निकेतन, जो कि आश्रम है राम झूला के पास, वहां पर बहुत ही बड़े फॉर्म पे आरती होती है, बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं और बहुत ही ग्रैंड तरीके से आरती होती है इन शॉर्ट अगर कहूँ तो। और वो जो शाम का टाइम होता है ना सनसेट के साथ, वहां पे आरती की प्रेपरेशन होती रहती है, देन भजन होता है, और जो बच्चे वहां पर स्टडी कर रहे हैं उस आश्रम में वो सारे एक साथ मंत्र चैंट उच्चारण करते हैं, बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग होती है। तो आपको मैं जरूर कहूंगी अगर आप ऋषिकेश जब भी जाओ तो आप परमार्थ निकेतन वाली आरती जरूर अटेंड करो, शाम को सुबह दो टाइम, आई डोंट थिंक सो सुबह होती है कि नहीं, शाम को जरूर होती है, क्योंकि शाम को मैंने 2 बार अटेंड की है और मैं बहुत ही ज्यादा उससे खुश हो गई थी और मुझे काफी पॉजिटिविटी आ गई थी वो आरती अटेंड करने के बाद। एंड और दिन आप कैसे स्पेंड कर सकते हो, तो आप वहां पर रिवर राफ्टिंग होता है वो आप कर सकते हो, क्योंकि बजट ट्रैवल कर रहे हो तो बहुत ज्यादा एक्टिविटी आप नहीं कर पाओगे, पर अगर आप रिवर राफ्टिंग करना चाहते हो तो दैट्स इन बजट, क्योंकि वो 300-500 रुपए के अंदर आप पर पर्सन लेते हैं। और आप किसी ग्रुप के साथ भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आप सोलो गए हो तो, जरूरी नहीं है आपको अकेले ही पूरी बोट करनी है, वो आपको बहुत महंगी पड़ेगी। एंड खाने पीने के लिए ऋषिकेश में बहुत सारे स्ट्रीट फूड अवेलेबल है, क्यूट क्यूट कैफेज हैं जहां पर आपको वीगन खाना और इजराइली फूड, क्योंकि वहां पे फॉरेन टूरिस्ट भी बहुत ज्यादा आते हैं फॉर योगा एंड मेडिटेशन ये सारे पर्पसेस से, तो आपको वो वाला क्यूजीन भी मिल जाएगा। एंड मेरा वन ऑफ द फेवरेट कैफेज इन ऋषिकेश अगर मैं बोलूं तो दैट्स लिटिल बुद्धा, जहाँ पे व्यू भी बहुत प्यारा है और वहाँ के लोग जो है ना वो इतने वेलकमिंग है। मैं वहाँ पर गई थी एक बार सनसेट के टाइम पे और सिर्फ मैंने बैठ के ग्रीन टी या कुछ लेमन टी पिया था, एंड दे वाज सो स्वीट, दे वाज सो नाइस, वो सारे आके बात कर रहे थे कि आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो एंड ऐसे, तो बहुत ही प्यारे लोग हैं उस कैफे के। और ये सारी चीजें करने के बाद भी मुझे लगता है कि आप आराम से ऋषिकेश 5000 रुपए के अंदर जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हो, 3-4 दिन आप वहां पर रुक सकते हो। और कुछ ज्यादा ही खर्चीले हो, शॉपिंग वॉपिंग करनी है तो वो तो फिर आपके ऊपर है यार, मतलब मैंने बेसिक एक बताया कि आप 5000 रुपए में इस तरीके से ऋषिकेश एक्सप्लोर कर सकते हो। अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, यूं ही खुशनुमा जिंदगी बिताते रहिए, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून फॉर मोर सच अमेजिंग कंटेंट्स, ट्रैवल रिलेटेड, बजट ट्रैवल रिलेटेड कंटेंट। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। विल सी यू विद अनदर वीडियो, टिल देन टाटा।